क्या आप लोग भी माइनक्राफ्ट की 1.19 की पीपी सीखना चाहते हो? इफ यस, एंड ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। इस वीडियो के देखने के बाद एंड इस वीडियो के अंदर जो मैंने स्टेप्स प्लस सेटिंग्स बताई है, उन चीजों को फॉलो करने के बाद हमारी पीपी के अंदर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेल, माइनक्राफ्ट के अंदर टॉप 3 स्ट्रेटेजीज हैं अगर तुम एक पीपी सीखना चाहते हो, एंड ये 3 स्ट्रेटेजीज के जरिए तुम पीपी कर सकते हो। नंबर 1 स्वीप हिट, नंबर 2 डब्ल्यू टैप स्वीप हिट, एंड नंबर 3 क्रिट। तो इसको थोड़ा सा डीपली समझते हैं। हर स्ट्रेटेजी के अंदर गेम साउंड चेंज रहता है। सो फर्स्ट स्ट्रेटेजी होती है सिंपल स्वीप हिट, देखो इस टाइप से, देखो इसका साउंड भी अलग है। एंड अगली जो स्वीप हिट होती है वो होती है डब्ल्यू स्वीप हिट, एंड इसका साउंड सबसे ज्यादा अलग होगा, देखना अभी। ठीक है, इसका साउंड और तुम उसका साउंड कंपेयर कर लो किस में कितना ज़्यादा फर्क है। एंड अभी जो मेनली होती है वो होती है क्रिट, जो कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ एंड जिसके बारे में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, सही है। तो क्रिट सबसे ज़्यादा मोस्ट फेमस है एंड इसको ही ज़्यादा लोग सीखना चाहते हैं, इतना लोगों काफ़ी लोगों को इंटरेस्ट नहीं है कॉम्बोज और इस टाइप में। सो क्रिट कुछ ऐसे होती है, सबसे ज्यादा डैमेज भी क्रिट का ही होता है। स्वीप हिट का डैमेज इतना नहीं होता जितना क्रिट का डैमेज होता है। सो अभी तुम लोगों को होप है कि तुम्हें इन 3 स्ट्रेटेजीज की समझ लगी होगी। अभी हम अपने मेन गेम की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले अपने डायनामिक एफओवी को ऑफ कर देना। तो ये डायनामिक एफओवी ऑफ है एंड तुम देख सकते हो कि मेरी स्क्रीन बिल्कुल भी बड़ी नजर नहीं आ रही, बट जब ही मैं अपनी डायनामिक एफओवी ऑन करूंगा तो तुम देख सकते हो स्क्रीन कितनी अजीब हो गई है। इसके साथ खेलना लिटरली बहुत ज्यादा हार्ड है, तो तुम्हारी एम भी अच्छे से नहीं लगेगा। तो इसको तुम याद से वीडियो सेटिंग में जाके ऑफ कर देना, याद से अटैक इंडिकेटर को क्रॉस हेयर पे कर देना। एंड मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हें क्या लाइक किस टाइप से खेलना चाहिए नेथपोर्ट। ओके, सो देखो मेनली लोग नेथपोर्ट की तरफ ही फोकस करते हैं एंड होता भी काफ़ी ज़्यादा एसएमपीज के अंदर नेथपोर्ट ही है। तो जब तुम ज्वाइन करते हो तुम्हारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस होता है, सही है। काफ़ी जगह पर तुम्हारा ये जो गैपल है इधर आया होगा एंड इन्वेंट्री अजीब सी होगी, तो तुम अपने हिसाब से सेट कर लेना। बट अगर तुम एक बिगनर हो तो तुम्हारे लिए यही बेटर रहेगा, तो तुम अपने ऑफ हैंड में टोटम पकड़ो। काफ़ी लोगों ने अपने ऑफ हैंड में एप्पल ही पकड़ा होता है, सो वेल उसका मतलब ये होता है कि लाइक उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है पीएपी का एंड दे आर लाइक बेटर। ओके, बट कभी कभी वो भी इजीली मर जाते हैं बिकॉज ऑफ इन्वेंट्री में एप्पल होता है। तो तुम अगर ऐसा करते हो, ये एक तरह से शो ऑफ भी होता है, तो अगर तुम एक बिगनर हो तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, तुम सेकंड्स के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाओगे क्योंकि तुमने अभी न्यू स्टार्ट किया। फर्स्ट थिंग फर्स्ट अपने हाथ में टोटम रखना। ओके, टोटम से तुम्हारे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा एंड जब तुम्हारा टोटम पॉप होगा तो मेरे एक और चांस मिल जाएगा उस बंदे को मारने का। ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट जब तुम आते हो गेम में तब तुम्हें लाइक ये चीज़ें मिलती हैं। सो कुछ लोग पोशन को इस टाइप से ऊपर करके फेंकते हैं, देखा है ना, काफ़ी तुमने काफ़ी वीडियोस में देखा होगा ऊपर करके फेंकते हैं जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है। वेल, मैं तुम्हें ये एडवाइस दूंगा कि जब भी तुम अपनी पोशंस को लगाओ तो तुम कुछ इस टाइप से नीचे होके लगाओ, इससे तुम्हें वही सेम इफेक्ट्स मिलेंगे बट तुम्हारा टाइम भी बचेगा। ओके, तो वेल अभी तुम्हें लाइक अपनी इन्वेंटरी सेट कर लेनी है इस टाइप से। ओके, तो अभी जब तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा गेम तो तुमने ये सबसे पहले पोर्ट्स लगा लेने हैं एंड देन ये जो हमारी इन्वेंट्री में गैपल्स है ना इसको तुमने खा लेना है। मैं पहले एक दफ़ा खाता था लेकिन मुझे एक बंदे ने एडवाइस की थी कि इसको 3-4 दफ़ा खा लो तो तुम्हारे लाइक एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा बढ़ जाता है, और चलते चलते तुमने इसको खा लेना काफ़ी दफ़ा। एंड पूरे मैच के अंदर तुमने सबसे ज़्यादा ट्राई यही करनी है कि तुम अपनी पोशंस को बचा सको। पोशंस को बचाने का बहुत ज़्यादा फायदा होगा जब तुम्हारी हेल्थ कम होना, इतनी हेल्थ हो जाए तुम्हारी हाफ, तो तुम उसी टाइम पर गैपल ढूंढ लो। मैं तुम्हें इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा अभी। ओके, आ जा रहा है, स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो मेनली क्रिट की तरफ फोकस करो क्योंकि क्रिट इज बेटर। देख रहे हो, अभी तुम्हें खुद साफ पता चल रहा होगा ये बंदा, इसको मैं अगर अभी यहाँ पे वो स्वीप वाली दूंगा तुम मारना, सही है। स्वीप वाली देने की ट्राई कर रहा हूँ लेकिन ये मुझे मार रहा है, देखो कोई फायदा ही नहीं हो रहा, उसकी हेल्थ बहुत कम जा रही है। स्वीप अगर तुम्हें ट्राई करनी है तो तुम ओके दिस लाइक, हाँ ये होता है कभी कभी लग जाता है लेकिन अभी क्योंकि वो इसलिए मर गया कज उसने अपनी पोर्ट्स भी नहीं लगाई थी एंड उसने काफी ज्यादा नहीं किया था, कज एज अ प्रैक्टिकल दिखाने के लिए तुम्हारी लाइक तुम लोगों को सही लगे इसलिए हमने सब कुछ किया। वेट अ सेकंड, अभी
एक और मैच लगाते हैं। तो अभी तुम्हें यहां तक समझ लगी होगी, नेथपोर्ट अगर तुम खेलते हो, तुम किसी एसएमपी के अंदर खेलते हो, तो मेनली अपना फोकस क्रिट्स की तरफ करो। स्वीप हिट पे कोई फायदा नहीं है इतना जितना लाइक होता है, दिखाते हैं लोग, उतना कोई फायदा नहीं होता। क्रिट में मोस्टली फायदा होता है, देखो क्रिट कुछ इस टाइप से मारते हैं, ये बंदा खड़ा है ना, देखो ये बंदा खड़ा है, अभी तुमने स्पेस दबाना है एंड देन इस टाइप से मारनी है, स्पेस दबा के अपना लेफ्ट क्लिक करना है, ये देखो देख रहे हो, इससे तुम उसकी हेल्थ देख रहे हो कितनी जा रही है, एक क्रिट से उसकी देख रहे हो कितनी हेल्थ जा रही है, एंड यही अगर मैं स्वीप करूँगा तो देखो एक एक हर्ट जा रहा है उसका, बट वही क्रिट से उसके ऑलमोस्ट दो हर्ट जा रहे हैं, देख रहे हो। तो ये तो तुम लोग समझ लो कि क्रिट इज़ बेटर देन स्वीप। एंड अभी हम एक मैच लगाते हैं जिसके अंदर लाइक पता चलेगा कि क्या होता है, एंड उसके अंदर मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ओके हाँ स्टार्ट लगा लो, पोशन लगा लो। ओके ओके लेट्स गो। देखो मेनली क्रिट की तरफ ही फोकस करो, बट अपने एम को भी उस बंदे की तरफ ही रखना, नहीं तो तुम्हारी क्रिट का कोई फायदा नहीं होगा, तुम्हारा एम कुछ इस तरह से साइड मिस हो जाएगा। देखो मेनली ये देखो अभी मैंने गलती कर दी, गैपल नहीं खाया। वेट वेट वेट, सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि अगर तुम लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन मेक श्योर टू डू इट, हम लोग 10,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा क्लोज हैं। लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। तो अभी मेरे अब दो पोर्ट्स आया हो गए, सही है। देखो सो ये लोग बहुत गलती करते हैं, एंड मेनली तुम तब गैप मुझे काफी लोग पूछते हैं कि भाई सबसे पहले गैप कहाँ पे लेना चाहिए, लाइक तुम्हारी गेम के अंदर जब तुम्हारी हेल्थ लो तब गैप लेना चाहिए, तब तो गैप लेना चाहिए ब्रो। बट एक और चीज जिसकी तरफ काफी लोग नहीं करते, जब देखो इसकी हेल्थ लो है ना, अभी ये गैप लेगा, जब ये गैप लेगा तभी तुम लोग ले लो गैप, क्योंकि तुम्हारे लिए एक बेनिफिट है वो चीज़ का, सही है। अभी इस सर्वर के मैप कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं इसलिए हमारा थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, बट ये मेन चीज़ है। एंड जब वो बंदा क्रिट दे रहा है तुम्हें, मैक्स क्रिट चेन होती है एक चीज़, जब वो बंदा क्रिट पे क्रिट दे रहा है, रुक ही नहीं रहा वो, तब तुम एक काम करो कि तुम उसी टाइम पे स्वीप मारने की ट्राई करो, सो देर इज़ अ चांस रहेगा कि उसकी क्रिट स्टॉप हो जाएगी। देखो अभी ये देखो अभी ये गैपल ले रहा है, तो मैं भी ले लेता हूँ, सही है इस टाइप से। एंड गैपल का तुम इस तरह से एम रखो कि देखो वो गैपल ले रहा है, मैं भी ले रहा हूं, चाहे तुम्हारी हेल्थ फुल है लेकिन अगर वो बंदा गैपल ठूस रहा है तुम्हें उसी टाइम गैपल लेना है एंड देन उसके पीछे जाना है। ओके तुम्हें रुकना नहीं है, बस अगर तुम उससे आगे जा रहे हो तो ऑफकोर्स तुम्हारी हेल्थ ज्यादा होगी उससे। ओके देखो बचाना वो। ओके ओके ऐसे पॉइंट्स पे तुम पोशन भी मार सकते हो। अब देखो वो भाग गया, मैं गैपल ले रहा हूं। एंड मेनली अपनी इन्वेंटरी की तरफ भी फोकस करना, एंड मेनली इस चीज की तरफ भी फोकस करना कि तुम्हारी आर्मर की हेल्थ लो है। मेरी आर्मर की हेल्थ तो इस टाइम पे फुल थी, बट मैं तुम्हें दिखाने के लिए मैं कर रहा हूं, ये चीज भी बहुत मैटर करती है। एंड इस चीज को तब लेना, मेनली ट्राई करना कि तुम्हारे एनिमी का आर्मर डैमेज हो, उससे तुम्हारा बहुत ज्यादा फायदा होगा। एंड जब तुम्हारे एनिमी का आर्मर डैमेज है एंड वो पोशंस एक्सपी लगाने के लिए भाग रहे ना, तो उसी टाइम पे उसके पीछे जाने का कोई फायदा नहीं रहेगा अंटिल उसकी कुछ ज़्यादा ही लो है एचपी। तो अगर कुछ ऐसा सीन होता है तो तुम ट्राई करो कि अपनी हेल्थ को लाइक अपने आर्मर की हेल्थ को इंक्रीज करने की ट्राई करो, उससे तुम्हारे आर्मर की हेल्थ बढ़ेगी, क्योंकि अगर वो अपनी हेल्थ इंक्रीज कर गया आर्मर की एंड तुम ना कर सके तो तुम्हारा आर्मर टूट जाएगा, जिससे तुम ईजिली मर जाओगे। ओके लेट्स गो जीजीज। हाँ तो वेल मेन चीज़ तो यही है, एंड अगर तुम अपनी क्रिट्स की तरफ ज़्यादा फोकस करोगे तो तुम्हारे लिए ये चीज़ सबसे ज़्यादा बेटर रहेगी। तो अभी मैं मेनली एक रैंडम बंदे के साथ मैच लगा रहा हूँ। ओके तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, तुम फोकस कर रहा है मेरी पीपी की तरफ एंड तुम ट्राई कर सकते हो कुछ इस टाइप से पीपी करने का। देखो पोशंस फर्स्ट थिंग इन गैपल, इस चीज़ को तुम अच्छे से रेडी कर लो भाई, इन चीज़ों का मैंने रेडी रखना है, ठीक है। अभी फर्स्ट थिंग ओके अभी पोशन मारा एक एक गैपल ठूस ले, ठीक है। अभी उसने गलती क्यों, उसका मेरा पोशन उसको भी लग गया, सही है। ओके मेरा लैग कर रहा है एक्चुअली हल्का हल्का। ओके
ओके अब देखो वो भागा, मैंने गैप पर ले लिया। ये बंदा अपनी मेन पोर्ट्स की तरफ फोकस कर रहा है एंड ये अपनी पोर्ट्स को एक तरह से वेस्ट कर रहा है, क्योंकि उस पॉइंट पे जब मैंने इसको छोड़ा तब ये गैप पर ले सकता था, बट उसने हाँ अच्छा काम किया मेरे ख्याल में। ये देखो ओके लेट्स गो जीजीस। सो अभी हाँ देखो मैंने बोला था ना काफ़ी लोगों को ये होता है कि भाई हाथ में गैपल पकड़ेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे लगने वाले हैं उस टाइप से, तो ये एडवाइस रहेगी कि हाथ में गैपल मत पकड़ा करो अगर तुम एक बिगनर हो या फिर तुम मेरे लेवल पे क्यों नहीं हो। ठीक है मैं इतनी अच्छी पीपी नहीं करता बट स्टिल मैं अपने हाथ में टोटम पकड़ता हूँ क्योंकि मैं इतना ज़्यादा अच्छा नहीं खेलता, मुझे पता है इस चीज़ का। मैं अपने हाथ में अभी गैपल पकड़ने लग गया मेरा मैच तो भाई लेफ्ट ओवर हो जाएगा ना, कुछ ही सेकंड्स के अंदर ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए मेरी एडवाइस तुम लोगों को ये रहेगी कि अपने हाथ में तुम टोटम पकड़ा करो, सही है, बिगनर हो या जो भी हो। अगर तुम इस लेवल पे पहुंच गए कि तुम्हें ये हो गया कि भाई मैं ऐसे करके लाइक अभी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है टोटम की, इजीली बंदे को मार दूंगा जिसके हाथ में भी टोटम होगा, तो तुम अपने हाथ में गैपल पकड़ सकते हो। ओके ओके तो एक और दफ़ा ये बुला रहा है, इसके साथ चलते हैं अभी रैंडमली। सो जो लोग हाथ में ऑफ हैंड में अपने गैपल पकड़ते हैं इस टाइप से, अभी मैं ये मैच ऑफ हैंड में गैपल पकड़ के लगाऊंगा, तो इस चीज़ का इनका मोटिव होता है कि गैपल खाने में इजी रहता है। तो इनमें से काफ़ी लोगों का ये भी मोटिव होता है कि जब उनका टोटम हेल्थ कम हो ना जल्दी से अपने इस होट बार को ना इधर कर लें, जिसकी वजह से उनका टोटम पॉप हो जाएगा एंड कभी कभी इस चीज़ के अंदर वो बुरी तरह फेल हो जाते हैं एंड वो मर जाते हैं क्योंकि तो उनके पास एक लास्ट चांस तो होता नहीं है। तो मेनली यही चीज़ है, अगर तुम बिगिनर हो तो मैं यही सलाह दूंगा तुम्हें कि अपने ऑफ हैंड में टोटम पकड़ो, इससे तुम्हारा थोड़ा सा ट्रस्ट भी आ जाएगा तुम पे एंड तुम इजीली मरोगे भी नहीं, बस तुम बिगनर हो। ओके तुम्हें कोई ये बोलने नहीं वाला कि भाई इस बंदे के हाथ में ऑफ हैंड में टोटम होता है गैपल नहीं होते, ये नूब है, इस टाइप से कोई नहीं बोलने वाला। ठीक है लोगों को तुम्हारी स्किल से मतलब है और वो मैटर नहीं करता कि तुम अपने ऑफ हैंड में टोटम पकड़ते हो या गैपल। एंड बाकी बात रहेगी पीपी सीखने की, तो ये अगर तुम पॉइंट्स को फॉलो करोगे अच्छे तरीके से जो मैंने बताए हैं एंड मेनली प्रैक्टिस करोगे जो कि मेन चीज़ है ब्रो, हर काम के अंदर प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। तुम जो काम कर लो, पढ़ो, जो काम मर्जी करो, उसके अंदर प्रैक्टिस ज़रूरी होगी। तो अगर तुम मेनली अपना प्रैक्टिस की तरफ ध्यान रखोगे, एक दिन के अंदर अगर तुम ज़्यादा टाइम दे सकते हो पीपी को, मैक्सिमम मैं तुम्हें बताऊँ लाइक कितना टाइम दो अगर तुम अच्छे पीपीर बनना चाहते हो, मैक्सिमम 3 to 4 hours अगर तुम लगातार ठीक है कंटिन्यूसली खेलो पीपी, लाइक गैप भी दे सकते हो बट अगर तुम इतने आवर में खेलो कंटिन्यूसली एक मंथ तक ये चीज़ करके देख लो एंड तुम्हारी गेम तुम्हारी स्किल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा फर्क नज़र आएगा तुम्हें। एंड हाँ पहले दिन कोई लिविंग लेजेंड ही बन सकता जैसा कि लाइक काफ़ी लोग बोलते हैं जिन लोगों ने इस टाइप की वीडियोस बनाई है, एंड ना ही कोई सैनपाई को मार सकता है पहले दिन, लाइक आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूवमेंट इज़ एवरीथिंग। ओके प्रैक्टिस करते रहो, अगर तुम करते रहोगे तो तुम बेटर से बेटर होते जाओगे, यही मेन चीज़ है। मेनली मैं अपनी पीपी के ऊपर इतना ध्यान नहीं देता, लाइक वीडियोस के दौरान ही मैं अपनी पीपी करता हूँ, वैसे मैं कभी कभार मेरा दिल कर जाए तो मैं खेलता हूँ सर्वर्स के अंदर। तो मेरा तुम्हें यही रहेगा कि अगर तुम कुछ ज़्यादा इस पीपी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो तो अपनी पीपी की तरफ फोकस करो। ओके बट अपनी लाइक इस टाइप से मत कर लेना कि तुम अपनी पीपी की तरफ ही डिपेंडेंट हो गए हो, तुमने सारे काम छोड़ दिए हैं, इससे तुम्हारी लाइक पीपी तो अच्छी हो जाएगी लेकिन हो सकता है तुम्हारा पीसी चला जाए जिसके ऊपर तुम पीपी करते हो। अपनी स्टडीज़ के ऊपर भी ध्यान देना, ओके पीपी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहना। हाँ इसको अगर तुमने लाइक सीखना तो एज अ फन कर लेना, जब तुम लाइक कुछ और काम करते हो जिसके अंदर तुम्हें फ्री होते हो उस टाइम पे तुम पीपी कर सकते हो। ओके वेल डेट इज इट फॉर टुडे यार, होप करता हूँ तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड होप करता हूँ जो लोग बिगनर हैं पीपी के अंदर उनको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। एंड हाँ मिलूंगा एक और न्यू वीडियो में तुमसे, टिल देन टेक केयर, पीस आउट।